नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. अब फर्स्टली हम क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टर्न आता है वो इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन्स का आता है. तो देख लेते हैं कि इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन्स भी अगर देखा जाए तो सेम रिफ्लेक्सिव की तरह होता है, बट इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, कुछ डिफ्रेंसेज होता है जिसकी बेसिस पे हम इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं. तो फर्स्टली हमारा जो है वो देख सकते हैं द इम्फेटिक प्रोनाउन्स हैव सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अभी मैंने बताया कि इसकी जो फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होती है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एन इम्फेटिक प्रोनाउन. इट मीन्स सबसे पहले अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज़ करना है तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, और उन्हीं डिफरेंस के बेसिस पे हम इनको सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट है द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आइदर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, प्रीपोजिशन और द सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. इन बिफोर वीडियो आई टोल्ड यू दैट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब ऑफ प्रपोजिशन एंड वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट. इट मीन्स ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ वर्ब ऑफ प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, सब की तरह यूज हो सकता है. लेकिन द इम्फेटिक प्रोनाउन हैज एन इम्फेसिसिंग रोल एंड ऑलवेज इन स्टैंड्स इन अ पोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन. लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन का जो होता है वो एक रोल होता है केवल इम्फेसाइज करने का, केवल इफेक्ट करने का रोल होता है, जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के क्या होता है, पोजिशन में खड़ा होता है. यानी हमारा जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में खड़ा मिलेगा. लाइक दैट जैसे हमारा एग्जाम्पल है द थिंग इट्सेल्फ इज नॉट वैल्यूएबल. द थिंग इट्सेल्फ इज नॉट, थिंग के बारे में बात हो रही है और यहाँ जो इट्सेल्फ ही यूज़ हुआ है ये अपने आप में क्या कर रहा है, ये इस नाउन का थिंग का क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है. थिंग इट्सेल्फ नॉट वैल्यूएबल. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल शी हरसेल्फ गेव मी दिस बॉक्स. ये क्या कर रहा है, यहाँ ये जो हरसेल्फ है ये किसके अपोजिशन में खड़ा हुआ है, ये शी के अपोजिशन में खड़ा हुआ है. शी हरसेल्फ गेव मी दिस बॉक्स. देखिएगा यहाँ इट्सेल्फ और सेकेंड एग्जाम्पल में हरसेल्फ, ये नाउन जो इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेज में जो नाउन और प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, फर्स्ट सेंटेंस में थिंग नाउन है और सेकेंड में जो हमारा शी प्रोनाउन है, इनके साथ अपोजिशन में खड़ा हुआ है. तो यहाँ हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कौन सा प्रोनाउन हो गया, यहाँ हो गया है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन. सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है. एक चीज़ और है कि जो हमेशा इम्फेटिक प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के, आप कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज़ करते हैं, वही हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है.